कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद बुरकुंडा की आईएजी फैक्ट्री को किया गया सील। लिक्विडेटर की टीम ने की कार्रवाई, मचा हड़कंप। 5 दिन पहले चिपका था 51 करोड़ रिकवरी का नोटिस। कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर सोमवार को भदानी नगर स्थित इंडो एसआई क्लास आईएजी फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई स्वास्तिक रोडवेज के 44 लाख रुपए बकाया के एवज में की गई। 7 सदस्यीय लिक्विडेटर की टीम ने इस कार्रवाई को पूरा किया। कार्रवाई से पूर्व इस टीम ने फैक्ट्री के अंदर का मुआयना किया, इसकी संपत्ति का आंकलन भी किया। बकाए को लेकर स्वास्तिक रोडवेज वर्ष 2013 में कोलकाता हाईकोर्ट गया था। हाईकोर्ट ने फैक्ट्री को सील करने का आदेश 30 जनवरी 2019 को दिया था। इसके बाद लिक्विडेटर बहाल हुए। लिक्विडेटर की टीम इससे पहले भी 2 बार यहां आ चुकी है, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के कारण टीम कार्रवाई नहीं कर पाई थी। तब मजदूरों ने पानी आपूर्ति आदि का हवाला देकर विरोध किया था। उस वक्त लिक्विडेटरों ने प्रशासन से मदद मांगी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में व्यस्तता और पुलिस बल की कमी के कारण टीम को सहयोग नहीं मिल पाया था। इसी बीच महज 22 मई को एसबीआई और पीएनबी बैंक ने संयुक्त कार्रवाई के तहत करीब 51 करोड़ के बकाए के रिकवरी का नोटिस फैक्ट्री गेट पर चिपका दिया। नोटिस में कंपनी को बकाया चुकाने के लिए 60 दिनों की मोहलत दी गई है। आशय यह है कि यदि 60 दिनों के अंदर बकाया भुगतान नहीं हुआ तो बैंक फैक्ट्री को अपने अधीन कर लेगी। माना जा रहा है कि बैंक की इस कार्रवाई की सूचना के बाद आनंद फानन में लिक्विडेटरों ने फैक्ट्री सील करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि आईएजी फैक्ट्री का स्वर्णिम इतिहास रहा है। कभी उत्तम गुणवत्ता शीशे के उत्पादन के लिए इसकी खासियत पूरे एशिया में ख्याति प्राप्त की हुई थी। दूसरे नंबर पर थी ये पूरे एशिया में शीशा बनाने को लेकर। यहाँ से उत्पादित शीशा विदेशों तक जाता था। सन 1952 में गुरु सरन लाल भदानी ने इस फैक्ट्री की स्थापना की थी। 1957 में फैक्ट्री जापान के इंडो एसआई कंपनी के हाथों बिक गई थी। उसके बाद कर्ज तले इस बुरकुंडा की आईजी फैक्ट्री को आज कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सील कर दिया गया। ये आज एक भाई हमारे कोलकाता का टीम जो इंडो एसआई क्लास फैक्ट्री नगर में आज वर्तमान हम लोग अच्छा विगत 14 साल से बंद है। और ये कंपनी का कहना है कि हम लोग का मजदूर और यहाँ के लोग यहाँ संस्था रखते हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं कि यहाँ का लोन है क्या है और यहाँ का मजदूर का पीएफ का मामला है। और एक बैग आके यहाँ कलकत्ता के टीम सील कर रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि बैंक का बहुत सारे लेबिलिटी है और साथ साथ जो भी कंपनी का मामला है वो डायरेक्ट हाईकोर्ट से हम लोग आए हैं। दी वेब्स वेजिटेरियन फैमिली रेस्टोरेंट की एक्सप्रेस डिलीवरीज अब घर बैठे ऑर्डर करें सिर्फ एक कॉल पर। फ्री होम डिलीवरी के लिए हमें कॉल करना ना भूलें 8092201666। न्यूज़लैंड्स में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है